बात रखे हैं कुछ दो मिनट। ठीक है, सबसे पहले तो सबको प्रणाम हमारी तरफ से, और जो लोग जानते हैं और ठीक है, जो नहीं जानते हैं उनको एक बार परिचय देना हमारा फर्ज है। आशुतोष कुमार नाम है, एक सामाजिक संगठन आप लोग जानते हैं, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नाम से लोग चलाते हैं, और एक RJJP राष्ट्रीय जनजन पार्टी है जिसका हम गठन भी किए। सामाजिक संगठन, चूंकि हर समाज का संगठन बना हुआ है तो इसका भी बना हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय जनजन पार्टी जिसमें सब समाज की बात हम लोग करते हैं, सभी तरह की बात। जहानाबाद से इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जहानाबाद में किए, और पिछले 12 साल से हम इस सामाजिक जीवन में हैं। इसके पहले हम 8.5 साल इंडियन आर्मी में नौकरी किए, भारतीय सेना में, और 12 साल से जो इस सामाजिक जीवन में है इसमें कभी आज तक चुनाव नहीं लड़े, और सैकड़ों बार हम सोशल मीडिया पर पब्लिक प्लेटफॉर्म में कहे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिए नहीं लड़ेंगे क्योंकि नेता शब्द से हमको बहुत नफरत हो गया था। नेताओं के जो रवैया है, चाहे नेता का जो ये सब अभी चलता है, इसको देख के लगता था कि नेता मतलब गाली, तो हमको लगता था कि नेता बनने से बढ़िया है कि समाज का बेटा बन के रहा जाए। लोग उस रूप में स्वीकार भी किए, लेकिन जब जहानाबाद में हमारी परंपरागत सीट, आजादी के बाद हमारी सीट रहती थी जो कि 19 में पहली बार छीना गया हमसे, चंदेश्वर चंद्रवंशी को दिया गया, इस बार फिर दोहराया गया, तो जहानाबाद के लोगों में एक आक्रोश हुआ कि एक तो हमें किसी जाति से नफरत नहीं है कि आप चंद्रवंशी को क्यों दे दिए, आप फलाने को क्यों दे दिए, मतलब यह कि वो जमीनी नेता नहीं है, एक तो कि हमारी परंपरागत सीट भी छीने और ऊपर से ऐसे हवा हवाई नेता को दिए। आप में से ये बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष अपने आंख से देखे हैं चंद्रवंशी जी को? पांच साल तक आपके क्षेत्र का सांसद है और वोट मांगने के दिन आपके यहाँ आए, पांच साल तक तो पूछने नहीं आए होंगे कि आपके समाज की समस्या क्या है, आपके यहाँ समस्या क्या है, तो खाली वोटे मांगने के लिए आपको सांसद नहीं ना बनाए हैं, काम करने के लिए। और ठीक है, यदि चंद्रवंशी को ही देना था तो जहानाबाद में कोई चंद्रवंशी नहीं था, आप दूसरे जिला को चंद्रवंशी, तो उसके पास क्या है, मोटा पैसा है, तो नीतीश जी को ना उस पैसे का लाभ है, समाज को क्या लाभ मिल रहा है। यहाँ के लोगों ने आदेश किया, इसको थोड़ा जल्दी में निपटा दीजिए, यहाँ के लोगों ने आदेश किया, मतलब जिस दिन से घोषणा हुआ है चंद्रेश्वर चंद्रवंशी का नाम, उस दिन से कम 2000 कॉल हमारे पास आया। लोग बोले कि चुनाव लड़िए, हमने कहा कि एक तरफ सुरेंद्र यादव 10 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, दूसरे तरफ उनसे भी ज्यादा पैसा वाले चंद्रेश्वर चंद्रवंशी 20 करोड़ खर्च करेंगे। हमने तो किंग महेंद्र जी का बेटा है और ना कोई गिरिराज बाबू के बेटा है, मैंने ना मंत्री के बेटा है ना उद्योगपति के बेटा है, हम कहां से 10 करोड़ खर्च करेंगे। तो लोगों ने बोला कि सबसे पहली बात तो कि उन लोगों से लोग पैसा लेके वोट देता है, आपसे हम लोग पैसा लेके वोट नहीं देंगे, आपको हम नोट भी देंगे और वोट भी देंगे और जितवा के संसद भवन में भेजेंगे। आशुतोष भैया जिंदाबाद। तो गांव के ऐसे ऐसे, मतलब सैकड़ों गांव से लोग ऐसे, जैसे कैसे आप लोग इकट्ठे हैं, ऐसे ही इकट्ठे होकर वीडियो कॉल करके स्पीकर ऑन करके गांव के गांव लोग हमको कॉल किए, बोले आप आइए, तो ये आप सबों के आदेश पर ही हम आए हैं। अब आए हैं तो हमारी इज्जत, अपनी इज्जत और जहानाबाद की इज्जत बचाना आपके हाथ में, और यदि आप बचाने के लिए तैयार हैं तो हम ये वादा करके जाते हैं कि हम जितनी ताकत होगी पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे और 2024 में ही जहानाबाद जीतेंगे। समय कम बच गया है क्योंकि सब लोग इंतजार में थे कि किसको टिकट मिलेगा, किसको मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल चुनावी मेंढक है कि चुनाव में आएंगे तब लोगों के बीच में, हम लोग समय समाज के बीच में रहने वाले हैं, सुख दुख में रहते हैं, क्योंकि एरिया बड़ा है, तो यहाँ से लेके फारविस्टगंज में भी समस्या होती है तो आशुतोष कुमार जाता है, भभुआ में भी होती है तो जाता है, तो हमारे लिए बिहार के 38 जिला समान था। इसलिए अब चूंकि जब जहानाबाद को हम एक क्षेत्र समझ कर यदि हम चुनावी मैदान में कूदे हैं,
तो यहाँ के हर एक गांव तक हमको पहुँचना है, समय कम है, इसलिए थोड़ा कम कम समय हम दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग चुनाव के समय आएंगे, वोट मांगेंगे, फिर चुनाव के समय नजर आएंगे। एक बात और स्पष्ट कर देते हैं कि पहला ऐसा नेता आपके यहाँ आया होगा चुनाव के समय में खास करके, जो आपसे ये आके कहे कि आप हमको वोट दीजिए या नहीं दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे। ये आपकी समस्या है, केवल मेरी समस्या नहीं है, ये हमारी समस्या, आपकी समस्या, आपकी समस्या, आपकी समस्या, आपकी समस्या है। यदि आपको लगता है कि हम सबकी समस्या ये व्यक्ति लड़ के हल कर सकता है, तो आप हमको साथ दीजिए, नहीं दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे चल रहा है उसे चलता रहेगा। हम लोग में वो बात तो नहीं कि हमको वोट चाहिए तो हम घोड़ पे गिरेंगे, ना हमको जूता मारिए चाहे गाली दीजिए, हमको बस वोटवा दे दीजिए। हमको समाज जितना प्रतिष्ठा दे दिया, उतना कोई सांसद और विधायक को प्रतिष्ठा सपना में सोचा नहीं होगा। यहाँ से दिल्ली, सूरत, पंजाब, इंदौर, हरियाणा, राजस्थान, जो लोग सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं वो लोग देखते हैं, जितना प्रतिष्ठा इज्जत हमको मिल गया, उतना सांसद विधायक की इज्जत बस की बात नहीं है। अरबों रुपया लोग कमा लेता है, उतना इज्जत नहीं पाता है जितना हम पा लिए। लेकिन अब यदि आपकी जमीनी समस्या, यदि हाँ अब हमसे आप कहिए कि हमारी सड़क नहीं बन रहा, तो हम तो भाई संवैधानिक पावर मेरे पास नहीं है, आपको कोई सता रहा है तो आपके पास खड़े हो सकते हैं, लेकिन संवैधानिक पावर नहीं कि हम सड़क के लिए पास कर दें। आप लोग ही ताकत है कि हम एसपी के ऑफिस का घेराव कर सकते हैं, थाना का घेराव कर सकते हैं, वीडियो का घेराव कर सकते हैं, दबाव बना सकते हैं, लेकिन सरकारी पावर नहीं है। सरकारी पावर यदि आप लोग चाहिएगा दीजिएगा, तो फिर वो काम भी करेंगे जो आज नहीं कर पा रहे। तो यदि यहाँ नाश्ता उस्ता का व्यवस्था हो गया तो अब यहाँ से आदेश दिया जाए, समय का अभाव है, फिर कभी बुलाइएगा। हमारा 360 दिन में आप पिछले 10 साल का प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मेरा सोशल मीडिया का अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम खोल कर देख लीजिए, साल में 365 दिन होता है, 350 दिन, 360 दिन हम घर से बाहर ही रहते हैं, घर में रहने वाले हम लोग नहीं है, हम ऐसे ही आपके पास आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो यदि इजाजत है और आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है कि एक अपने बीच का एक व्यक्ति जो आपके सुख दुख को समझा हो, जो आपके जैसा तकलीफ झेला हो, जो हेलीकॉप्टर पर चलने वाला नहीं हो, हमारे यहाँ बाढ़ आता है चाहे सुखाड़ आता है बिहार में, तो नीतीश जी हेलीकॉप्टर से जाते हैं सर्वे करने, जायजा लेने। बाढ़ का जायजा लिया जाएगा 20,000 फीट ऊपर से, कितना पानी में घुसेगा तब बाढ़ का जायजा लेगा, मनोरंजन करते हैं वो, जायजा नहीं मजा लेते हैं। हम लोग जमीन पर संघर्ष करके 4,000 गांव तक पहुंचे हैं, ऐसे ही दरी चौकी खटिया पर बैठ के समस्या को जाने। तो आपकी समस्या को बढ़िया से समझ रहे हैं 10 साल से, और इस चीज को संसद भवन में उठाने की भी हिम्मत रखते हैं। पार्टी टिकट देगा कि नहीं देगा, कौन वोट देगा कि नहीं देगा, यदि अन्याय होगा तो आशुतोष कुमार उस अन्याय का प्रतिकार करेगा, इसके लिए कोई रोक नहीं सकता। आपको लगता है कि हमारा समर्थन करना चाहिए, आपको लगता है कि अपने बीच के आदमी को वोट देकर भेजना चाहिए, तो भेजिए। और कोई यदि दूसरे समाज के भी व्यक्ति हमारी बात सुन रहे हैं, तो आप ये बात को एकदम मान लीजिए कि हम लोग डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह जी को अपना आदर्श मानते हैं, हम लोग किसी जाति से नफरत नहीं कर सकते, हम लोग दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग सबके लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। अभी एक महीने पहले बरबीघा में एक यादव समाज की बच्ची का बलात्कार होकर मर्डर कर दिया, बलात्कार करके, कोई नेता नहीं पहुंचा, सबसे पहला पहुंचने वाला आशुतोष कुमार, और आज तीन जो बलात्कारी थे वो तीनों के तीनों जेल के अंदर है, चाहे वो ब्राह्मण परिवार हो, राजपूत परिवार के ऊपर छपरा में तीन तीन लोगों का गर्दन मार दिया गया पीट पीट कर, कोई डर से नहीं पहुंचा, नाकेबंदी हो गई। हम यहां से 50 गाड़ी से पहुंचे थे पटना से, तो सबके लिए समय पर खड़े रहेंगे, बशर्ते कि एक हाथ से ताली नहीं बजेगा, दोनों हाथ लगाना पड़ेगा। तो हम यदि हाथ बढ़ा रहे हैं तो आप हाथ बढ़ाकर ऊपर आगे खींचिए। समस्या हमारी है कि हम लोग हाथ खींचने के बजाय पैर खींचते हैं, तो इसीलिए नीचे जा रहे हैं। तो अब इसको थोड़ा, अब ये थोड़ा तो हुआ है,
पढ़ाई किए हैं 10 साल, तो परीक्षा देने का समय है, तो थोड़ा सब जगह घूमने दिया जाए। और ये इस बार इज्जत बचाने की भी बारी है जहानाबाद, नहीं तो 5 साल तक फिर गालिए दीजिएगा, कोई उपाय नहीं है, कोसिएगा, कोई उपाय नहीं है। और अभी यदि हिम्मत भी कर रहे हैं ना, चंद्रवंशी की इज्जत बढ़िया सोच, अभी यदि हिम्मत भी आप कर रहे हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि जहानाबाद अपने कोटे में वापस लेंगे, कभी मुजफ्फरपुर भी हमारे कोटे में था, कभी वैशाली हमारे कोटे में था, कभी पाटलिपुत्र हमारे कोटे में था, कभी मोतिहारी हमारे कोटे में था, कभी महाराजगंज हमारे कोटे में था। और आज वहां जाके पूछिए, 3-3, 4-4 बार से जब हमारा सीट छीन लिया गया, तब कुछ सोचता ही नहीं कि हमारे कोटे में कभी आएगा। और इस बार भी यदि जीत गया अगला आदमी, तो फिर भूल जाइए कि अगला बार, अब हिम्मत भी कीजिएगा कि हमारे कोटे में आएगा, फिर आप ये मान लीजिएगा कि अब भी दूसरे कोटे में चला गया। तो जितना ताकत है, आपकी समस्या हमसे हो सकती है, आपकी समस्या आपके गोतिया से हो सकती है, आपकी समस्या कुछ और हो सकती है, लेकिन आपकी समस्या पूरे समाज से नहीं हो सकती, आपकी समस्या पूरे जहानाबाद से नहीं हो सकती। बाकी जो इफ बट है उसको साइड रखिए, लेकिन एकमुश्त होकर वोट दीजिए। जीत हार हम तो ये वादा करते हैं कि जीतेंगे, फिर भी जीत हार को एक तरफ रख दीजिए, कि हम वादा करते हैं कि आप जो जहानाबाद में बजाइएगा उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। सबों के साथ हम बात को विराम देंगे, आगे खजूर में काफी देर से लोग बैठे हुए हैं, उसके बाद फिर आगे जाएंगे और फिर आप सबों के बीच में है। लेकिन एक वादा कीजिए जी, एक एक जी, एक मिनट, एक मिनट जी, आगे 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 जी, सेवानिवृत्त होकर के घर बैठ गया हूँ। यदि आप मेरे गांव आए हैं जी, आपका आदर है, और मेरे तरफ से एक अनुरोध है कि नॉमिनेशन के बाद पुनः इस गांव में आप पधारें। जी जरूर प्रयास करेंगे, प्रयास इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 6 विधानसभा है इस लोकसभा में, क्षेत्र बड़ा है, तो कम से कम हमारा ये प्रयास होगा कि एक एक बार 5-5 मिनट के लिए भी कम से कम हर गांव में, ताकि ये लोग ना बोले बड़ा इगोस्टिक समाज, दर्शन है जी, जरूर बड़ा इगोस्टिक गाँव के नागरिक को आपके प्रति श्रद्धा जगे जी, ये हमारे गार्जियन का आदेश है, आप अनुरोध करके हमें जी लज्जित नहीं करें, आप आदेश दें, हमारे गार्जियन हैं, इस रास्ते से हम लोग जरूर आएंगे जाएंगे, क्योंकि क्षेत्र में जब भ्रमण करना है तो ये बहुत सारा गांव बाकी है, ये हमारे गार्जियन का आदेश है, हम नॉमिनेशन के बाद एक बार फिर इस गांव में आएंगे 2 मिनट के लिए।